अभी हमने आपके सामने बात की थी बेलन की और शंकु की, अब बात करते हैं हम गोला, जिसे हम कहते हैं स्पीयर। ठीक है, गोला क्या होता है देखिएगा, बनाने में तो ये बिल्कुल एक वृत्त की तरह बन रहा है। ठीक है, दिखने में बिल्कुल वृत्त है लेकिन 3D फॉर्म है, इसलिए जैसा ये सामने की तरफ दिख रहा है वैसा ये पीछे की तरफ भी है। ये है इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या। तो अगर मैं इस गोले की बात करूं तो इस गोले के सबसे पहले क्षेत्रफल एरिया की बात करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था वृत्त में, सर्कल में, किसी भी वृत्त का, किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब आप सभी को बता रखा है मैंने, 22/7। तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई हो गया 22/7, ये पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है वृत्त का। यहां पर हम बात कर रहे हैं गोले की, तो आप डायरेक्शन कोई सी भी देख लीजिए, हर बार आपको एक वृत्त नजर आएगा, तो चारों की तरफ से अगर हम देखें तो इसका होता है 4πr². फिर बात करते हैं हम इसके आयतन की, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम। अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन में हम देख सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया था आधार का क्षेत्रफल इनटू उस आकृति की ऊंचाई, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो आधार इसका बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी रबड़ की बॉल आप कह दीजिए वो किसी पर टिकती नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके आयतन का फॉर्मूला होगा 4/3πr³। एक इसमें नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, ऊंचाई, हाइट। तो आप साफ साफ, आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, आप इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट देख सकते हैं। ये है R और ये भी है R, तो यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2R। तो इस तरह से हमने इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन और इसकी ऊंचाई के बारे में बात की। बात करते हैं हम अर्धगोले की। जिसे हम कहते हैं हेमीस्फीयर। अर्धगोले की अगर मैं बात करूं तो इसी को आप काट कर आधा कर दीजिए तो ये कहलाएगा आपका अर्धगोला। तो ये पूरा गोला है जिसका एरिया हमने बोला है 4πr² है, तो अर्धगोला है तो इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल देखूं तो ऐसा लगता है कि पूरे गोले का 4πr² है, तो अर्ध गोले का आधा हो जाएगा 2πr², सही है। लेकिन जैसे ही हम इसको बीच में से काटेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने दो अर्ध गोले बनते हैं। तो एक अर्ध गोला जो आपके सामने मैंने बनाया है, इसमें एक नई सतह बनकर आ रही है, और वो नई सतह क्या है आपके सामने, ये है नई सतह जो कि है आर त्रिज्या का एक वृत्त। तो इस आर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr². तो पूरे को आधा किया तो 4πr² से आधा हुआ तो 2πr² और एक नई सतह बनी πr² की, तो कुल मिलाकर इसका क्षेत्रफल हो गया 3πr². फिर बात करते हैं हम आयतन वॉल्यूम की। अगर आयतन वॉल्यूम की बात करूं तो आप देख सकते हैं पूरे का आयतन होता है 4/3πr³। अगर इसको आधा करें तो 4/3πr³ से ये बन गया 2/3πr³। बात करते हैं इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट की। पूरे की हाइट आप देख सकते हैं यहां से यहां तक, R और R कितना होता है 2R, और उसकी हाइट अगर अपन देखें तो कितना होगा R। ठीक है, तो
तो इसका मतलब गोले और अर्ध गोले में आपको जो फर्क है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपके सामने क्षेत्रफल, ये आयतन और ये ऊंचाई के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने अभी तक क्या क्या देखा है। हमने अभी तक देखा है सबसे पहले घन, फिर देखा है घनाभ, फिर देखा हमने बेलन, फिर देखा हमने शंकु, फिर देखा हमने गोला और लास्ट में अभी हमने देखा है अर्धगोला। ये तो हमने इनके बेसिक फॉर्मूलों के बारे में आपको बताया है और आप रटे ना समझे इसलिए आपको एक एक फॉर्मूला समझा कर बताया है। अब इनके कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चन आपके प्रमेय के तौर पर होते हैं और वो प्रमेय जिनको अपन थ्योरम्स कहते हैं जिन्हें हम 9th या 10th में लास्ट में प्रूव करने के बाद में लिखा करते थे इति सिद्धम या फिर HP हेंस प्रूफ जिसे हम कहा करते थे। ठीक है, पर इतना कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रमेय है थ्योरम्स हैं अगर आप सीधे याद रखें तो वेल एंड गुड है और अगर आप याद नहीं रख सकते तो वो प्रमेय वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं वो मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा आपको यही सजेशन है अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो ये प्रमेय मतलब डायरेक्टली जैसे अपन स्टेटमेंट कथन लिखेंगे यूं के यूं ही आएंगे और जिनका रिजल्ट भी फिक्स रहेगा, आंसर भी फिक्स रहेगा। तो जब आंसर फिक्स है इन प्रमेय का, इन थ्योरम्स का, तो आप लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और नहीं रखना चाहते हैं, आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो सॉल्व भी हम करके आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम जैसे ही अगर मैं आपको कहूं एक बेलन कौमा शंकु कौमा गोला तीनों ही एक समतल सतह पर रखे हुए हैं। यदि तीनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर हो तथा तीनों की ऊंचाइयां भी आपस में बराबर हो तो इन तीनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा क्या हो गया आपके सामने, एक बेलन है, एक शंकु है, एक गोला है जो कि तीनों ही एक समतल सतह पर फ्लैट सरफेस पर रखे हुए हैं। अगर तीनों की त्रिज्याएं और तीनों की ऊंचाइयां आपस में बराबर है, मतलब तीनों की रेडियस आपस में बराबर है और तीनों की हाइट आपस में बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं इनके आयतनों का अनुपात क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन की। इस तरह की आकृति होती है, बताया था मैंने आपको। फिर बात करते हैं हम शंकु की। फिर तीसरी हम बात करते हैं गोले की। ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, आपको कह रहा है तीनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है तो हमें पता है गोले की त्रिज्या R। अब तीनों की रेडियस आपस में बराबर है तो हम देख सकते हैं सीधा सीधा अगर उसकी रेडियस R है तो इसकी रेडियस भी त्रिज्या कितनी होगी R। क्यों? क्योंकि तीनों की रेडियस बराबर है तो फिर इसकी रेडियस भी कितनी होगी R। चलिए फिर एक बात और बोली है उसने, एक कंडीशन और डाली है और वो कंडीशन ये है कि तीनों की ऊंचाइयां भी आपस में बराबर है। तो R त्रिज्या का अगर कोई गोला है तो उसकी ऊंचाई कितनी हो गई 2R। कैसे? अभी आपको मैंने समझाया था। और इसकी ऊंचाई कौन सी होती है, ये वाली, तो ये कितनी होगी उसके बराबर, मतलब कितना 2R। और फिर अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं मैं तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी जो उनकी ऊंचाइयां है, मतलब कितना 2R। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों की त्रिज्याएं बराबर कर ली हमने और तीनों की ऊंचाइयां बराबर कर ली। अब सिंपली आपको इनके आयतनों का
अनुपात निकालना है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं इसका आयतन मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब एच की वैल्यू हमें पता है कितनी, 2R। इसका आपने देखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू आपने देखी कितनी है, 2R। इसका आपने देखा था कितना बताया मैंने आपको, 4/3 पाई आर क्यूब। इनका हमें अनुपात पूछा गया है, तो ये लीजिए इनका अनुपात आपके सामने है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई से पाई, आर स्क्वायर और आर, आर की पावर 3, आर स्क्वायर और आर, आर की पावर 3, और ये आर की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया। ये 2, ये 2 और ये 4 गया 2 टाइम्स। आप देख सकते हैं यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब एक यहाँ कितना बचा 1/3 और यहाँ कितना बचा 2/3। तो ये जो 3 है ये एलसीएम होकर इधर आ जाएगा, तो 3, 1 और 2 इसका आपके सामने रेशियो आ जाएगा। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस फॉर्म में 1, 2 और 3। तो ये जो 1, 2 और 3 हमने लिखा है, ये 1, 2 और 3 है। 1 हो गया आपके किसका, शंकु का, 2 हो गया आपके किसका, गोले का, और 3 हो गया आपके किसका, बेलन का। तो 1, 2, 3 ये आप याद रख सकते हैं, और 1, 2, 3 याद रहता है वैसे ही, बस 1, 2, 3 याद रखने के साथ साथ आपको इनका नाम भी याद रखना है कि 1 किसका है, 2 किसका है और 3 किसका है। तो 1 है आपके किसका, शंकु का, 2 किसका है आपके गोले का, और 3 किसका आपके बेलन का। तो ये आप सीधा याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत करेंगे तो भी रिजल्ट यही आना है। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम्स हैं, एक तरह की प्रमेय है, ठीक है। चलिए एक प्रमेय और देखते हैं, वो प्रमेय ये है कि यही आपके पास क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिखा है कि बेलन, शंकु और गोला। अभी मैंने गोला कहा था, इस बार अर्धगोले की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नया क्या हो गया, एक बेलन कॉमा शंकु कॉमा अर्धगोला, तीनों एक ही सतह पर रखे हुए हैं, और तीनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है, और तीनों की ऊंचाइयां भी आपस में बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो हम डायग्राम इसको ऐसे ही रखते हैं, बस गोले को अर्धगोला बना लेते हैं। तो देखिएगा इधर क्या चेंज आएगा, इसका आंसर आ चुका है 3, 1 और 2। और 1, 2, 3 याद करना है तो नेम चेंज हो जाएंगे, उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ये हो गया आपके सामने अर्धगोला। अर्धगोले का ये रेडियस वही आर, तो अगर इसकी रेडियस आर तो इसकी भी आर और इसकी भी आर। अर्धगोले की हमें ऊंचाई हाइट पता है कितनी होती है आर, तो इसकी ऊंचाई आर है, इसकी ऊंचाई 2R से, अब ये कितनी है आर, और इसकी ऊंचाई भी हम देख सकते हैं 2R से कितनी हो गई आर। क्यों, क्योंकि तीनों की ऊंचाई आपस में बराबर है। अब इसका आयतन हमें पता है, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका आयतन भी होता है जो कि क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। लिख लिया हमने, अब लिखा है तो इनका अनुपात भी ले लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं, पाई पाई और पाई, आर स्क्वायर और आर, आर की पावर 3, आर स्क्वायर और आर, आर की पावर 3, और ये आर की पावर 3। क्या बचा यहाँ पर, 1, यहाँ क्या बचा 1/3, और यहाँ क्या बचा 2/3। हम देख सकते हैं 3 इधर आ जाएगा, ये 1 रहेगा और ये 2। तो अगेन आप देखेंगे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उस वाला जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें बेलन शंकु और गोला था, अब गोले की जगह अर्धगोला किया तो भी वही आंसर आ रहा है 3, 1, 2। ऐसा क्यों, तो वो रिजल्ट आपके सामने है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगेन वही बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि इसमें भी आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं 1, 2 और 3, लेकिन 1, 2, 3 के साथ आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा, 1 किसके लिए, कोण के लिए, 2 किसके लिए, अर्धगोले हेमिस्फीयर के लिए, और 3 किसके लिए, बेलन सिलेंडर के लिए। तो इसका मतलब 1, 2, 3
तो वन शंकु या टू पर गोला या अर्धगोला कुछ भी हो और थ्री पर आता है बेलन। चलिए